नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। कांग्रेस ने पंजाब में बारी बारी यानी रोटेशन सिस्टम से दो मुख्यमंत्री बनाए जाने की व्यवस्था की अफवाहों को आज खारिज कर दिया है। रविवार 6 फरवरी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ एक नाम की घोषणा करेंगे। राज्य में शीर्ष पद के लिए चल रही खींचतान और दावे प्रति दावे के बीच पहले ये चर्चा की गई थी कि राहुल गांधी रविवार को लुधियाना में बड़ी जनसभा में पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों को समायोजित करने के लिए मुख्यमंत्री पद के दो उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 5 साल तक एक ही शख्स राज्य का सीएम होगा। सूत्रों की तरफ से ये जानकारी तब दी गई है जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को अवैध रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस प्रमुख सिद्धू ने अपनी ही पार्टी पर हमला तेज कर दिया है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी इस पद के लिए सबसे आगे चल रही है। उन्होंने कल अपने प्रतिद्वंदी चरणजीत सिंह चन्नी पर सीधा हमला बोला और कहा कि पार्टी को ईमानदार और साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को चुनना चाहिए। कांग्रेस ने हाल ही में कई संकेत दिए हैं कि चन्नी को शीर्ष पद के लिए पसंद किया गया है। पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए राज्य के लोगों से IVR इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस कॉल के माध्यम से एक सार्वजनिक सर्वेक्षण भी करा रही है, ताकि ये पता चल सके कि मुख्यमंत्री पद पर राज्यवासी किसे देखना पसंद करते हैं। सूत्रों का कहना है कि चन्नी उस सर्वेक्षण में सबसे आगे चल रहे हैं। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।